हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन ऑडिटिंग क्लास। हम ऐसे 240 कर चुके हैं, द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटेड टू फ्रॉड इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और आज हम करेंगे ऐसे 250, कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 240 क्या था? फ्रॉड कंसिडरेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आज हम देखेंगे लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सर, एक 2 मिनट की कहानी सुना देता हूँ, फिर उसके बाद हम ऐसे पे चलेंगे, प्रैक्टिकल लाइफ स्टोरी। सर, जब हम ऑडिट स्टार्ट करते हैं तो एक हमारी मीटिंग होती है मैनेजमेंट के साथ, और उस मीटिंग में हम डिस्कस करते हैं कि आप हमें बताइए कि आपकी इंडस्ट्री के ऊपर, आपकी कंपनी के ऊपर, सुन रहे हो ना सर? सुन रहे हो ना? हाँ, शाबाश, बोर मत होना, ऑडिट क्लास है। आपकी कंपनी के ऊपर, आपके इंडस्ट्री के ऊपर कौन कौन से रेगुलेशंस, कौन कौन से एक्ट लागू होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं, हमारे कुछ टैक्सेस की बात करूं, तो हमारे कितने टैक्स होते हैं? सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज, पीएफ, बोनस, और भी बहुत सारे होते हैं सर। तो मैं बात करता हूं, सर आप हमें बताइए कि आपके यहाँ पे कंपनीज के ऊपर कौन कौन से एक्ट लगते हैं, कौन कौन से, मेरी जैसे फैक्ट्री एक्ट हो गया, तो हम उनसे पूरा डिस्कशन करते हैं कि आपके यहाँ पे क्या क्या लगता है। तो सर, ये ऐसे 250 जो है, कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जितने भी लॉ एंड रेगुलेशन होते हैं उनका, कि हाँ भाई सारी लाइबिलिटीज टाइमली पे हुई है नहीं हुई है, कंपनीज ने जितनी भी लीगल रिक्वायरमेंट है वो सारी टाइमली फुलफिल की है या नहीं की है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। आप तो सर ये बोलते हो हर चीज में प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की होती है। जी हाँ, फाइनेंशियल को बनाना, फ्रॉड को प्रिवेंट करना, डिटेक्ट करना, लॉ को, रेगुलेशंस को फॉलो करना, अकाउंटिंग करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की ही होती है। तो इस केस में भी लॉ एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, टाइमली सारे काम करना, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की ही होती है। तो ऐसे 250 हम कर रहे हैं सर, कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मैनेजमेंट की होती है, प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी मैनेजमेंट की होती है। सर, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? सर आप सुन लीजिए, मेरे जो टैक्सेस होते हैं, जो मेरे लॉ एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। दो पार्ट में कैसे सर? सर मेरे फाइनेंशियल हैं ये, मान लीजिए मेरे फाइनेंशियल हैं, इन फाइनेंशियल में अगर सर्विस टैक्स मैंने पे किया है, तो अगर अभी तक नहीं पे किया है तो मेरा लायबिलिटी में आ रहा होगा, अदरवाइज मेरे बाकी जगह आ रहा होगा, पीएनएल में आ रहा होगा, मेरा वैट आ रहा होगा, एक्साइज आ रहा होगा, पीएफ, बोनस अगर पेबल में है तो। सर ये मेरे डायरेक्ट फाइनेंशियल से रिलेटेड मेरे टैक्सेस हैं, लॉ एंड रेगुलेशंस हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं सर जो, जिनका इम्पैक्ट मेरे फाइनेंशियल में इतना नहीं आता, कुछ ऐसे रेगुलेशंस भी होते हैं जैसे जिनका इम्पैक्ट मेरे फाइनेंशियल में नहीं आता, जैसे कि पोल्यूशन। अगर कोई फैक्ट्री चल रही है तो मुझे गवर्नमेंट से या कोई भी एक रिलेटेड एजेंसी से मेरे को पोल्यूशन का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, फैक्ट्री एक्ट हो गया, और भी बाकी सारे एक्ट हो गए जिनका मेरा इम्पैक्ट फाइनेंशियल पे नहीं आता, बट उनका भी मेरा उनको भी सही तरीके से लगाना मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो सर एज एन ऑडिटर मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी? सर जितने भी ऐसे एक्ट हैं, जितने भी ऐसे लॉ एंड रेगुलेशन हैं जिनका इम्पैक्ट मेरा फाइनेंशियल पे डायरेक्ट आता है, मैं उन सबको देखूंगा। जैसे सर्विस टैक्स को उठाया मैंने, कि कंपनी ने सर्विस टैक्स की लायबिलिटी सही से कैलकुलेट की हुई है नहीं की हुई है, टाइमली सर्विस टैक्स पे किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो इसमें कारो का पॉइंट भी आता है सर, कारो तो हमें देखना होता है कि कितना नहीं पे किया है, और उसको हमें हमारी रिपोर्ट में दिखाना होता है कि दिस मच इज लायबिलिटी नॉट पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, इफ इट्स पेड देन इट्स फाइन। तो हमें लिखना होता है कि एज पर कारो रिक्वायरमेंट, अगर कारो से भी मैं इसको लिंक करूँ तो, कि कंपनी पेड ऑल द स्टैचुरी लायबिलिटीज एंड अदर थिंग्स ऑन टाइमली बेसिस एंड देयर इज नो ड्यू पेंडिंग। तो सर जितने भी मेरे फाइनेंशियल से रिलेटेड होते हैं उन पे मुझे काम करना होता है, एंड सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मेंटेन करने होते हैं। सर एग्जाम्पल तो ऐसे समझ नहीं आई हमें बात। फॉर एग्जाम्पल, सर्विस टैक्स की मेरी लायबिलिटी मैंने मंथ वाइज लिख लिया, अप्रैल टू मार्च, मैंने हर मंथ की लायबिलिटी को देखा कि मेरी हर मंथ की लायबिलिटी, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपीज, 150 ऐसे होता है, तो मैंने देखा कि भैया इसके चालान दिखा हुआ जिसके अगेंस्ट आपने ये लायबिलिटी पे किया, तो मैं यहाँ पे चालान अमाउंट डाल देता हूँ, डिफरेंस निकाल देता हूँ, ड्यू डेट क्या थी और किस डेट पे आपने पे किया, कहीं इंटरेस्ट वगैरह तो नहीं है।
तो इस तरह के मैं पूरी एक वर्क पेपर बनाता हूँ और अपने सारे चालान्स वगैरह को मेंटेन करता हूँ। तो ये मेरे हो गए जो भी ऐसे लॉ एंड रेगुलेशन जिसका मेरा डायरेक्ट इफेक्ट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, उसका मैं सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मेंटेन करूंगा। ऐसे एक्ट जिनका फाइनेंशियल पे डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं है, उसमें सिर्फ मैं इतना चेक करूंगा क्या आपने इनको सही से लगाया है। उसके लिए मैं डिस्कशन कर लूंगा मैनेजमेंट के साथ, रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लूंगा, इंक्वायरी वगैरह कर लूंगा देखने के लिए। अब हम थ्योरी को रीड करते हैं थोड़ा सा। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? ऑब्टेन जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क एप्लीकेबल एंड ऑब्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर लॉ दैट हैव डायरेक्ट रिलेशन विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड और इंक्वायरी करेगा, मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर लेगा और सर्टिफिकेट्स ले लेगा। सर्टिफिकेट जैसे लाइसेंस का सर्टिफिकेट हो गया, इन केस लो दैट डू नॉट हैव डायरेक्ट रिलेशन विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इंक्वायरी करूंगा और सर्टिफिकेट्स वगैरह लेके मेंटेन कर लूंगा कि हाँ ये सब काम हो रहा है। एग्जाम्पल दिए सर कि ऐसे लो जिनका डायरेक्ट रिलेशन है विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सर्विस टैक्स, वैट, एक्साइज, कस्टम, पीएफ, बोनस। इस केस में आप ऑब्टेन सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस कि भैया ये सारे कॉम्प्लाइंस हो गए हैं। आगे सर, लो दैट डू नॉट हैव डायरेक्ट रिलेशन विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फैक्ट्री एक्ट, पोल्यूशन, लाइसेंस वगैरह। उस केस में मेरे को सिर्फ ये देखना होता है कि कहीं नॉन कॉम्प्लाइंस तो नहीं है, नॉन कॉम्प्लाइंस तो नहीं है। नॉन कॉम्प्लाइंस देखने के लिए मैं सिर्फ इंक्वायरी करता हूँ, डिस्कशन करता हूँ, सर्टिफिकेट्स वगैरह ऑब्टेन कर लेता हूँ। अब मान लीजिए आपने देखा कि भैया ऐसे एक्ट जिनका डायरेक्ट रिलेशनशिप है उनमें नॉन कॉम्प्लाइंस है, तो आप क्या करोगे? मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करोगे, उसका रीजन देखने की कोशिश करोगे क्या रीजन है, और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस से डिस्कस करोगे। अगर आपको लगता है मैनेजमेंट की ही गलती की वजह से हुआ है, वही लोग मिले हुए हैं उन सब के नॉन कॉम्प्लाइंस में, तो आप और भी कोई हायर अथॉरिटी अगर है तो उससे डिस्कस करोगे, अथॉरिटी से डिस्कस करोगे। अगर आप कहीं पे लिखा हुआ है कि आप अगर इस तरह का कोई डिफॉल्ट है तो आप इसको अथॉरिटी को बताओ, अदरवाइज आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई करोगे एसए 700 के हिसाब से। सर मैं हर एसे में आपको 700 की ऑडिट रिपोर्ट नहीं बता रहा हूँ कि इसमें हम क्वालिफाइड ओपिनियन देंगे, एडवर्स देंगे, क्योंकि सर उसका हमारे थंब रूल्स हैं। सर ऐसे 700 के अंदर हमारे थंब रूल बने हुए हैं कि अगर ऐसा है तो आप अनक्वालिफाइड ओपिनियन दो, अगर ऐसी सिचुएशन है तो आप क्वालिफाइड दो, ऐसी सिचुएशन है तो डिस्क्लेमर दो। तो मैं यहाँ पे आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना चाहता सर। ऐसे मेरा ऐसे 250 मेरा जो कहता है वो कहता है कंसिडरेशन ऑफ लॉ एंड रेगुलेशन। लॉ एंड रेगुलेशन को मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, डायरेक्ट रिलेशनशिप विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट और जिनका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है और मेरे को चेक करना है। डायरेक्ट रिलेशनशिप के लिए सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर करने हैं, बाकी के लिए सिर्फ इंक्वायरी वगैरह करनी है, सर्टिफिकेट देखना है। इन केस नॉन कॉम्प्लाइंस है तो नेचर समझो, रीजन देखो, पॉसिबल इफेक्ट देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कितना है। मैंने कल भी आपको बताया था अगर किसी एक चीज की वजह से इतना इफेक्ट आ रहा है कि किसी भी यूजर का डिसीजन चेंज हो सकता है तो मेरा ऑडिट रिपोर्ट पे डेफिनेटली आपको वो देना है। कोई माइनर है, आपकी मटेरियलिटी से छोटा है, तो आप उसको देख सकते हैं कि इसको कैसे रिपोर्ट में दिखाना है। मैनेजमेंट के साथ डिस्कस करो, अगर मैनेजमेंट ही आपको लगता है कि मिली हुई है तो आप ये देख सकते हो कि मेरे को लीगल एडवाइस लेनी है क्या इस केस में, कि आगे कैसे क्या मैं कर सकता हूँ, क्या होना चाहिए, तो आप लीगल एडवाइस भी ले सकते हो अगर आपको मैनेजमेंट के आंसर से आप सफिशिएंट नहीं है तो। और हम इसका ऑडिट में 700 के हिसाब से देखेंगे। सर बहुत छोटा है एसए, सॉरी, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। लो एंड रेगुलेशन को दो हिस्सों में बांटो, एक जिनका फाइनेंशियल के साथ डायरेक्ट इम्पैक्ट इफेक्ट है जो मिले हुए हैं फाइनेंशियल के साथ, एक वो जो फाइनेंशियल से अलग है। जो फाइनेंशियल के साथ मिले हुए हैं उनके लिए आपको सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेने हैं, बाकी सबके लिए सिर्फ आपको नॉन कॉम्प्लाइंस ना हो वो चीज चेक करनी है। अगर सब ओके है देन इट्स फाइन, अदरवाइज आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट को चेंज करेंगे। आई होप आपको 250 समझ आ गया। अब हम स्टार्ट करेंगे 260। थैंक यू एंड बाय बाय।